अगर आपको भी लगता है कि आप अपने पिंपल्स को ओवरनाइट रिमूव कर सकते हो तो ये सिर्फ आपकी मिथ है क्योंकि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है आपने ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी वीडियो देख रखी होगी जिसमें उन्होंने बोला होगा कि वो आपके ओवरनाइट पिंपल को रिमूव कर पाएंगे बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है और अगर पॉसिबल भी है तो वो है ना कुछ आपको हार्श केमिकल वगैरह आपकी स्किन के ऊपर लगाते हैं जिससे आपकी जो स्किन हो जाती है यानी कि उस टाइम पे तो आपका पिंपल रिमूव हो जाएगा बट उसके उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा भारी हो गए यानी कि आपकी स्किन की क्वालिटी वगैरह सबको डाउन कर देंगे तो इस वीडियो में मैं आपको ना मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ जो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यानी कि किसी के तीन चार दिन में खत्म हो सकते हैं किसी के हफ्ता भी लग सकता है और किसी के दस दिन में भी यानी कि वो आपके पिंपल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा हमें पिंपल होने की तीन वजह होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइट सेकंड होता है हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर और थर्ड आता है हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कि हम अपने फेस के ऊपर यूज करते हैं तो हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को क्लियर करेंगे और मैं आपको एक फेस मास्क भी बताऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हो अपने पिंपल्स को रिमूव करने में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइट हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पिंपल्स होने में क्योंकि जो भी आप खाते हो ना वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के थ्रू है ना वो वो आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना सीजनेबल जो वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं आपको उनको डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए और आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल को कंज्यूम नहीं करना है जो कि सीजनेबल नहीं हो क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा केमिकल का यूज होता है उनको पकाने के लिए तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होना और आप डेली एक या दो नीम के पत्ते भी कंज्यूम कर सकते हो जिससे आपके जो पिंपल्स है ना वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे और आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी को कंज्यूम करें जिससे आपके बॉडी के अंदर जो भी इंप्यूरिटी है ना वो वेस्ट के थ्रू निकल जाए आपको कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए बेसिकली आपको जो भी जंक फूड या फिर जो मार्केट में पैकेट पैकेटबंद और डिब्बे डिब्बेबंद फूड आते हैं उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना साथ ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ खाना चाहते हो तो आप है ना दही या फिर जो छा जाती है आप इन दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो वो बेस्ट रहेगा बट आपको इनको सनसेट के बाद नहीं खाना नहीं। है लाइफ स्टाइल मिस्टेक लाइफ स्टाइल मिस्टेक में फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम करते हैं वो है अपने फेस को बार बार टच करना आपको अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है इससे जो आपके हैंड के बैक्टीरिया है ना वो आपके फेस के ऊपर आ जाते हैं ऑलरेडी वो स्किन डैमेज हो रखी है और आप वहाँ पर हाथ लगाओगे तो और ज्यादा डैमेज होगी सेकेंड आपको कभी भी पिंपल को नहीं फोड़ना चाहिए इसकी वजह से आपके जो पिंपल्स तो चले आएंगे, जो पिंपल का निशान है ना वो वहीं पर रह जाएगा और वो बहुत ज्यादा खराब लगेगा क्योंकि जो आपका पिंपल है ना वो एक या दो दिन में तो चले जाएगा या फिर हफ्ते भर में बट वो निशान है ना बहुत टाइम बाद जाएगा फिर कभी नहीं जाएगा थर्ड है आपकी स्लिप स्लिप के टाइम आपकी जो बॉडी है ना वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि सात से आठ घंटे आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है फोर्थ आपको कभी भी सन के कॉन्टेक्ट में नहीं जाना इससे जो आपके पिंपल्स है ना और ज्यादा बढ़ जाएंगे फिफ्थ आप अभी भी बाहर जाते हो तो अपने फेस को कवर करके जाए क्योंकि आपके जो पिंपल है ना वहाँ पर डस्ट और पोल्यूशन लगा जाए तो और ज्यादा वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं थर्ड थर्दे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हमारा आता है फेस वॉश क्लींजर मॉइस्चराइजर टोनर और भी बहुत सारी चीजें बट जो चीज मैं आप बोलने वाला हूँ थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी बट वो रियलिटी में आपसे कुछ भी चीज छुपाना नहीं चाहता हूँ अगर आप किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हो तो अभी से बंद कर दो क्योंकि वो आपकी स्किन को डैमेज कर देंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज करा जाता है और आपकी स्किन है ना ऑलरेडी डैमेज हो रखी है पिंपल्स के कारण और अगर आप इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपके जो पिंपल्स है ना वो घटेंगे तो नहीं पर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और मुझे पता है आप में सब बहुत सारे भाई मेरे को कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो है ना प्योर नेचुरली है बट ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि नेचुरली है हाँ वो बोलते जरूर है कि भाई मैं हम नेचुरली प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं बट वो भी रियलिटी नहीं है अगर आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो वो है ना बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं वो बस है ना उनके नाम को चेंज कर देते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे रहते हैं वो है ना अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन नहीं करते आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा हो अब हम क्या मॉइस्चराइजर क्लींजर वगैरह ये नहीं करें क्या अपने फेस को है ना सिंपली वाटर से भी वॉश कर लो वो भी बेस्ट है मॉइस्चराइजर की बात है आप वहाँ पर फ्रेश एलोवेरा को भी यूज कर सकते हो यहाँ तक आपके फेस पैक की बात है तो मैं आपको एक ऐसा नेचुरली फेस पैक बताने वाला हूँ जो आपके पिंपल को है ना बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा आप तो अपने फेस को स्टीम कर लेना यानी कि आपको भाप ले लेना नहीं इससे आपके जो फेस के जो पोर्स है ब्लॉक कर रखे हैं पिंपल ने वो ओपन हो जाएंगे जो आपके फेस के ऊपर डर्ट वगैरह है वो भी इजिली क्लीन हो जाएगी इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी और हल्दी और थर्द जो चीज है वो है रोज वाटर या फिर आप सिंपली वाटर का भी यूज कर सकते हो उसको मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है सूखने के लिए और जब ये ड्राई हो जाए इसको आप सिंपली वाटर में फेस फेस्क तो सकते हो और गलती से आप है ना वो रेडीमेड फेस पैक मत लिया मुल्तानी मिट्टी का आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड करे